वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा आसन क्या है, मगर मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है ये सिर्फ एक पटा है। तो मैं आज आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ऑलराउंडर चैनल जो कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसे आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मैं आपको उसके पहले भी दो तीन वीडियो में दिखा चुकी मैंने कि गणपति जी के, दुर्गा माँ का और जो साईं बाबा उनका आसन कैसे बनाया, तो वो मैंने एक आसन से बनाया, एक मैंने झूला डेकोरेशन दिखाया था और एक छोटा सा पटा दिखाया था। ये जो ये प्लेन पीढ़ी है, जो प्लेन मिलती है ना, ये जो सिल्वर कलर की लगी हुई है, उस पीढ़ी में ये सिल्वर कलर था, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए सिल्वर कलर का ये शीट लगाया। वो सिल्वर ही मैंने उस पर लेस लगाई है और रेड कलर से आप ये स्टोन लगा दीजिए। ये लगाने के बाद आप देखिए, इसको मैं दिखाती हूँ पीछे से भी, इसको साइड से लगाना है। तो ये क्या हो गया, आपको बॉक्स जैसा बन गया, आपको आसन टाइप दिख रहा है। और ये ऊपर मैंने ड्राइंग शीट में येलो कलर का वो कपड़ा और फिर सारे स्टोन्स लेस लगा के बना दिया। ऊपर में एक फ्लावर लगाया हुआ है और श्रीहरि को स्थापित किया हुआ है। माता रानी को लाल चुनरी ज़रूर चढ़ाएं और ये देखिए श्रीहरि को पीले वस्त्र हैं। जय श्रीहरि। तो आप भी अपने इस जो है आपके, उनके ऐसे सुंदर सुंदर आसन बनाइए, देखिए आपका मंदिर बहुत अच्छा लगता है, इतनी ऊर्जा मिलती है आपको। अगर अपने घर में जो पूजा स्थान है उसको ज़्यादा समय दें और आप पर्दे लगाती हैं अपने घर में, दुनिया भर का डेकोरेशन करते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही अपने मंदिर को भी सुंदर बनाइए, क्योंकि सब कुछ तो हमें देने वाले यही हैं, हम इनको थोड़ी कुछ देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में, आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरा चैनल ऑलराउंडर। थैंक यू। जय श्री हरी।